जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फरीदाबाद में अवैध खोरी गांव को हटाने की कार्रवाई जारी है और वहां पर तोड़फोड़ लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में अब अरावली वन क्षेत्र में अवैध फार्मों पर भी वन विभाग द्वारा तोड़फोड़ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के दायरे में आने वाले अवैध कब्जों पर निगम कार्रवाई करेगा। इसी को लेकर आज डीसीपी यशपाल यादव और निगम आयुक्त गरिमा मित्तल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और सभी फार्म हाउसेस के मालिकों को चेताया कि वो जल्द से जल्द अपने अवैध निर्माण वहां से हटा ले, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा। उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जैसा कि आपको पता है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे और उसके तहत खोरी गांव के अंदर जो अवैध निर्माण थे उनको हटाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर फर्दर निर्देश दिए गए हैं और जितना भी फॉरेस्ट एरिया है और PLPA नोटिफाइड जितना भी एरिया है उसमें किसी भी तरह का अगर निर्माण है और जो अवैध है उसको हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब पहले सिर्फ खोरी छोटा सा एरिया था उस तक ये निर्देश आए थे, अब पूरे ज़िले के अंदर जितना भी PLPA नोटिफाइड एरिया है उसके अंदर अगर किसी भी तरह का अवैध निर्माण है तो उसको हटाया जाना है। इस क्रम में डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DFO साहब हैं इनकी तरफ से सभी को आइडेंटिफाई किया गया है। NGT के अंदर हमने एक रिप्लाई फाइल किया था, उस दौरान स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए गए थे इस तरह के, वो डिटेल्स हमारे पास में हैं। उसके अलावा ड्रोन सर्वे से बाकी एरियाज़ को भी अगर कोई नए बने तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। उन सभी को नोटिस 4 दिन का दिया जा रहा है और उनको सभी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप अपने अवैध निर्माण को खुद हटा लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निर्माण हटाने की कार्रवाई सरकारी एजेंसीज करेंगी और उस हालात में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी अवैध निर्माणकर्ता से और ज़मीन के मालिक से वसूला जाएगा। तो ये उन सब लोगों के लिए नोटिस है और अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत वो करते हैं, अगर किसी भी तरह की लैंड रोड की सिचुएशन आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कोई विरोध होता है तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट नीति है, जैसा कि खोरी के अंदर भी देखा, FIR लॉज की जाएंगी। तो जो अवैध निर्माण करता है उनको खुद अपने निर्माण हटा लेने चाहिए, अदरवाइज उनके रिस्क एंड कॉस्ट पे हटेंगे और उनके खिलाफ अगर किसी तरह का भी रेसिस्टेंस आया तो FIR लॉज भी होंगी। तो ये चीज़ें आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुँचें। इसके अलावा उनको नोटिस राइटिंग के अंदर भी दिए जा रहे हैं और बाकी उनको व्यक्तिगत तौर पर लोग जाकर भी उनको बताएंगे। इसके लिए हमने इंटरनली जो तैयारियां थी और किस तरह से हम इसको करेंगे वो हमने फाइनलाइज कर लिया है। तो 3 से 4 दिन के बाद में इन सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही था। इसमें आप टोटल कितनी ज़मीन है आपकी PLPA की, कितने कौन कौन से, वो ज़रा बता दीजिए। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में PLPA की अराउंड 5430 हेक्टेयर के अराउंड ज़मीन है जो 15 गांव में फैली हुई है। मेनली जो एनक्रोचमेंट है वो 4-5 गांव तक सीमित है, जैसा कि आपको पता है, बड़कर, लंखीर, नेबला, अनंतपुर, मांगर एंड पाली। तो इसके लिए हम डिटेल नोटिस कल इश्यू करवाना स्टार्ट कर देंगे 3-4 दिन के लिए, जैसा कि DC साहब ने बताया। और जो लगभग एनक्रोचमेंट फॉरेस्ट एरिया में जो अभी तक प्रिलिमिनरी में आइडेंटिफाई किया गया है वो 1430 एकड़ के अराउंड है, बट क्योंकि 1430 एकड़ के अराउंड प्रिलिमिनरी है उसको दोबारा से वेरीफाई करवाया जाएगा ग्राउंड पे और उसका ड्रोन सर्वे या जो भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू उसको वेरीफाई कराया जाएगा, उसके बाद ही उस पर फाइनल एक्शन किया जाएगा। तो फाइनल एक्शन जैसा कि सर ने बताया कि 3-4 दिन में 4 दिन के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड किया हुआ है 4 वीक्स में। नोटिसेस कल हम इश्यू करवा देंगे, उसमें 3 या 4 दिन का मैक्सिमम समय मिलेगा, उसके बाद वो खुद नहीं हटाते हैं तो उसका डिमोलिशन स्टार्ट कर दिया। 5430 हेक्टेयर में से 1430 एकड़ लगभग 500 हेक्टेयर निर्माण की संख्या 120 से 130 के अराउंड।
वो हो सकता है कि डिवीजन करके हुआ हो, बट हमने जो आइडेंटिफाई किया और कोई बचा होगा तो उसका दोबारा सर्वे करके उसको ऐड कर लेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अब जनरल डायरेक्शन अब सारे स्टे खत्म हो जाएगी। इसमें एक तो खोरी हो चुका पहले जिसकी हमने रिपोर्ट उसमें सबमिट की थी, एक कटन पहाड़ी आएगा और थोड़े थोड़े एरिया गांव के साइड वाले एरियाज आएंगे। जी जैसे कि मानव रचना है, अरावली है और भी जो आइडेंटिफाई किए गए वहाँ पे वो सारे जी सारा ही टूटना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर है। देखिए एक चीज स्पष्ट तौर पर आप सब लोगों को, किसी का किसी इंस्टीट्यूशन विशेष की बात नहीं है यहाँ पर, जितना PLPA नोटिफाइड एरिया है उस नोटिफाइड एरिया के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब को हटाने के निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। और जो नंबर्स की आप बात कर रहे थे, कोई भी गांव की ज़मीन जो PLPA नोटिफाइड है उस पर एक तरफ से लेके दूसरे तरफ तक बढ़ते हुए कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें ये नहीं है कि कितने सर्वे किए हुए हैं। जो एप्लीकेशन के साथ में नंबर लगाया हुआ था एक, वो हमारे पास में हमारा खुद का सर्वे किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी आशंका है कि नए बने होंगे तो भी टीम जब मौके पर काम करेगी तो वो उसको भी तोड़ते हुए चलेगी। तो किसी भी नंबर कितना भी हो सकता है।